हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिकेश। आज मैं आपको एनिमल्स के नेम जापानीज में बताऊंगा और वो नेम्स बहुत ही सिंपल है, आप ये कुछ ही मिनटों में सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम एनिमल्स सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल्स को क्या बोलते हैं। एनिमल्स को दो बोत्सु बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैट। कैट को जापानीज में नेको बोलते हैं और नेको को ऐसे लिखते हैं। सेकेंड है डॉग। डॉग को जापानीज में इनो बोलते हैं और इनो को ऐसे लिखते हैं। इनो। माउस को जापानीज में नेजुमी बोलते हैं, नेजुमी को ऐसे लिखते हैं। नेजुमी। काउ को जापानीज में उशी बोलते हैं और उशी को ऐसे लिखते हैं। उशी। मंकी को जापानीज में सारू बोलते हैं और सारू को ऐसे लिखते हैं। सारू। बियर को जापानीज में कुमा बोलते हैं और कुमा को ऐसे लिखते हैं। कुमा। तो अभी देखते हैं हम अगले पांच एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स के नेम लिखे। तो सबसे पहले है रैबिट। रैबिट को जापानीज में उसागी बोलते हैं और उसागी को ऐसे लिखते हैं। उसागी। उसागी। ये देखिए ऐसे उसागी। अभी नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर को जापानीज में तोरा बोलते हैं और तोरा को ऐसे लिखते हैं। तोरा। डियर को जापानीज में शिका बोलते हैं और शिका को ऐसे लिखते हैं। शिका। हॉर्स को जापानीज में उमा बोलते हैं और उमा को ऐसे लिखते हैं। अभी देखते हैं पिग। पिग को बोलते हैं बुत्ता और बुत्ता को ऐसे लिखते हैं। बुत्ता। वोल्फ को जापानीज में ओकामी बोलते हैं, दो ओ है इसलिए हम दो बार ओ बोलेंगे। ओ का मी। ओ का मी। फॉक्स को जापानीज में कित्सुने बोलते हैं और कित्सुने को ऐसे लिखते हैं। सुने। तो अभी और कुछ एनिमल्स के नेम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सिर्फ बाकी है जिराफ, एलिफेंट और लायन। जिराफ को जापानीज में किरिन बोलते हैं और किरिन को ऐसे लिखते हैं कि री न किरिन। एलिफेंट को जापानीज में जोऊ बोलते हैं और जोऊ को ऐसे लिखते हैं जो ऊ। लायन को जापानीज में रायन बोलते हैं, ये भी सिंपल ही है लायन का। रा ई ओ न रायन। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि एनिमल्स के नेम को जापानीज में कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आप भी ये सीख सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।